हाय फ्रेंड्स, गैस्ट्रोनॉट क्लिनिक Q&A में नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, आप अगर आज दिन में चार प्रोसीजर देते हैं तो चार अलग अलग स्कोप यूज होते हैं, एक ही स्कोप यूज होती है? आपने पेशेंट का बहुत ही क्वेश्चन आता है कि मेरे पहले जो किया है कि भाई ये आप चार प्रोसीजर अपर जी एंडोस्कोपी कर रहे हो, एक के बाद एक कर रहे हो, तो एक ही एंडोस्कोप यूज कर रहे हो, तो एक ही एंडोस्कोप सब में कैसे यूज कर रहे हो? कैसे यूज कर? तो इसका जवाब है दोस्तों कि प्रॉपर वॉशिंग, एंडोस्कोपिक रीप्रोसेसिंग होता है, उसका टेक्निक्स होते हैं। उससे पहले हम चैनल्स क्लीन करते हैं, आउटसाइड क्लीन करते हैं, उसका जो एक एक चैनल है उसमें प्रॉपरली हम डिप करके एक क्लीनिंग लिक्विड रहता है, स्पेशल ग्लूटराल्डिहाइड एंड रिलेटेड जो भी लिक्विड्स हैं उसमें हम उसको इमर्स करके रखते हैं क्लीनिंग के बाद, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए रखते हैं। उसके बाद उसे वाटर में रखते हैं डिप करके, उसके बाद पूरा फ्लशिंग द चैनल्स, फ्लश, एयर फ्लश, वाटर फ्लश करके पूरा ड्राई करके उसे रीप्रोसेस करके रीयूज करने के लिए रेडी करते हैं, उसके बाद ही रीयूज करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। तो बिल्कुल सेफ है ये। एक एंडोस्कोप जो है वो कई साल तक कई पेशेंट्स में एंडोस्कोपी के लिए यूज हो सकता है, तो वही एंडोस्कोप को प्रॉपर रीप्रोसेसिंग करके हम यूज करते हैं, इसीलिए हम मल्टीपल पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं। ये हम पेशेंट को भी समझाते हैं। वो एंडोस्कोपी स्कोप और कोलोनोस्कोपी स्कोप एक ही रहता है कि अलग अलग रहता है? तो अपर जीआई एंडोस्कोप जो मुंह से फूड पाइप, स्टमक में और छोटी आंत की शुरुआत तक जाता है, अपर जीआई ओजीडी स्कोप, उसका एंडोस्कोप अलग रहता है। उसके भी वेरियस नंबर्स होते हैं, सीरीज होता है, उसका जो डायमीटर्स होते हैं बच्चों के लिए थोड़ा छोटा रहता है, अडल्ट्स के लिए एक मीडियम साइज का रहता है। फॉर एग्जांपल 9.8 मिलीमीटर डायमीटर का एक अडल्ट अपर जीआई एंडोस्कोप आता है फॉर एग्जांपल, तो वो एक यूज करते हैं हम। कोलोनोस्कोप जो है टॉयलेट की जगह, यानी संडास के रास्ते जो एक कोलोनोस्कोप जाता है बड़ी आंत को चेक करने के लिए, वो बिल्कुल अलग स्कोप होता है। उसमें भी पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों के लिए अलग और अडल्ट्स के लिए अलग 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 सीरीज के आते हैं। ये दोनों स्कोप अलग रहते हैं दोस्तों। थैंक यू सर। थैंक यू।